दिल्ली के रास्ते राजस्थान जा रही राजधानी एक्सप्रेस से अफीम और सोना की खेप बरामद। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सेकंड एसी के कोच में डीआरआई की टीम छापेमारी कर तीन तस्करों के पुस्तक के आधार पर अपने पूछताछ के आधार पर अपने कब्जे में लिया। जब इनकी तलाशी ली गई तो एक तस्कर के पास से सोना की खेप मिली जिसकी कीमत 55 से 57 लाख के बीच है। बरामद सोना दुबई का है जिसे तस्करी कर लाया गया था, जबकि वहीं दो शख्स के पास से 7 लाख से अधिक मूल्य का अफीम बरामद हुआ। डीआरआई की टीम ने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि राजधानी एक्सप्रेस से जो गुवाहाटी के डिब्रूगढ़ से मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में तस्कर सफर कर रहे हैं जिसके पास लगेज बैग में अभी और सोना है। इसी के आधार पर राजधानी एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही डीआरआई की टीम पहुंच गई। जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन ट्रेन रुकते ही डीआरआई की टीम राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड एसी के कोच में जाकर छापेमारी करती है जिसमें नशीला पदार्थ अफीम और सोने के बड़े खेप को बरामद करती। फिलहाल डीआरआई की टीम सभी तीन तस्करों से पूछताछ कर रही। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की खास रिपोर्ट।